नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इंजन टीवी में और मैं हूँ आपके साथ तनु। प्रयागराज जनपद के 12 तहसील के अंतर्गत बाल श्रम को दे रहे हैं बढ़ावा। छथारा परवेजाबाद केसर प्लांट की खनन माफिया आखिर जहां प्रदेश सरकार बाल श्रम पर रोक एवं शिक्षा पर जोर दे रही है, वहीं दूसरी ओर खनन माफिया नाबालिग बच्चों के हाथों में किताब के बजाय मिट्टी तोड़ने का यंत्र देकर बच्चों को शिक्षा से दूर कर सरकार के मुंह पर चांटा मारने का काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ खनन माफियों के द्वारा लगातार ब्लास्ट करने से स्थानीय लोगों के घरों की दीवारें भी कई बार क्षतिग्रस्त हो गई है। खनन माफियों के हौसले इस कदर हावी हैं कि उनके केसर द्वारा तोड़ी गई गिट्टी के कण, धूल एवं आवाज़ काफ़ी दूर दूर तक सुनाई पड़ती है, जिससे वहां के स्थानीय लोगों में अपंगता बहरापन हावी होता जा रहा है। वह दिन दूर नहीं है जब शीघ्र ही केसर के नज़दीक के सारे ग्रामीण अपंगता का शिकार हो जाएंगे, जबकि सरकारी मानक के अनुसार बाउंड्री वॉल के अंदर ही केसर संचालन करने एवं वातावरण में धूल को फैलने से रोकने के लिए पानी के फव्वारे एवं वृक्षारोपण का प्रावधान है। आखिर यह देखना यह है कि प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन इस पर अंकुश लगा पाएगी या इसी तरह खनन माफिया स्थानीय प्रशासन की अनदेखा करते हुए बाल श्रम, प्लास्टिक पोकलैंड द्वारा खनन, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ओवरलोड ट्रक द्वारा सड़क को क्षतिग्रस्त करने का कार्य करते रहेंगे। ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।